वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हम 10 वर्ड्स देखेंगे 191 से लेकर के 191 से लेकर के 200 तक, और हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेगमेंट खत्म हो जाएगा। आज का पहला वर्ड है एलस, CALLOUS। हिंदी है कठोर। कठोर क्या कठोर, देखिए, अ पर्सन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। डिवाइड ऑफ मतलब होता है से वंचित। अ पर्सन जो वंचित होता है, काइंड फीलिंग मतलब दया भाव से, और सिंपैथी मतलब सहानुभूति और दया भाव से वंचित होता है, तो क्या बोलते हैं, जिसके हृदय में दया ही नहीं है, निर्दयी बोलते हैं, कठोर बोलेंगे, निर्दयी भी कह सकते हैं, कठोर बोलेंगे, और इंग्लिश है कैलस। फिर नेक्स्ट है एटिकेट। देखिए एटिकेट दो बार में पढ़ लेंगे इसको, एटिकेट, शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है, जो हमारे समाज ने रूल्स बनाया है, अच्छे रूल्स जिसे पालन करना चाहिए, शिष्टाचार कहलाता है। शिष्ट आचार, अच्छा आचार आचरण, देखते हैं, एस्टैब्लिश्ड मैनर और रूल्स ऑफ कंडक्ट। एस्टैब्लिश्ड मतलब होता है स्थापित, जो समाज ने स्थापित कर दिया है। मैनर का मतलब आप जानते हैं, तौर तरीके, तो स्थापित तौर तरीके, चाहे रूल्स ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब आचरण करने का जो रूल्स होता है वह, अच्छा है एस्टैब्लिश मैनर को कहते हैं एटिकेट, शिष्टाचार। फिर मेडिएवल मतलब मध्यकालीन। आप हिस्ट्री में जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, तो यहाँ पे मेडिएवल का मतलब मध्यकालीन इतिहास में अधिक ये शब्द यूज होता है। तो बिलोंगिंग टू मिडिल एजेज, एजेज मतलब युग, मिडिल मतलब मध्य युग से, बिलोंगिंग मतलब संबंधित, तो मध्य युग से संबंधित क्या कहलाएगा, मेडिएवल कहलाएगा, मध्यकालीन कहलाएगा। फिर है नोविस, जैसा ही पढ़ रहे हैं वैसे ही उच्चारण है, नोविस जैसा ही वर्ड है, NOVIC, नोविस, नौ सिखिया मतलब नया सीखा हुआ, नौ सिखिया जो हिंदी है उसका मतलब हुआ नया सीखा हुआ, डेफिनेटली इंग्लिश भी यही है। वन हु इज न्यू, वह जो नया है, टू सम ट्रेड ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड ऑफ प्रोफेशन का मतलब व्यवसाय, वह जो किसी व्यवसाय में नया है उसे बोलते हैं नौसिखिया, नोविस। फिर है रेड टेपेज मतलब लाल फीता शाही। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, कार्यालय के औपचारिकताएं आवश्यकता से भी अधिक, टू मच मतलब आवश्यकता से अधिक, और फॉर्मेलिटीज का मतलब औपचारिकताएं, कार्यालय औपचारिकताएं आवश्यकता से अधिक, इसको बोलते हैं रेड टेपेज में। जैसे आपको सपोज आपको कोई कंपनी स्थापित करनी है, चाहे आपको कोई लोन लेना है, जो कि नॉर्मली हम करते रहते हैं, तो आपको इतने डॉक्यूमेंट मांगेंगे, फिर प्रोसेसिंग उनका इतना कॉम्प्लेक्सिव होता है, जो सामान्य आदमी के समझ में आता नहीं है, काफी टाइम भी लगता है, और हमें समझ में नहीं आता, तो करप्शन के भी चांसेस रहते हैं वहां पे, तो ये सब रेड टेपिज्म के उदाहरण है। तो इस स्लाइड में हमने देखा जो 191st वर्ड है कैलस, कठोर, जो निर्दयी लोग होते हैं, एटिकेट, शिष्टाचार, मेडिएवल, मध्यकालीन, नोविस, नवसिखिया, रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही। नेक्स्ट स्लाइड के जो 5 वर्ड है यह है इम्प्रेगनेबल, अप्रवेश। प्रवेश मतलब जिसमें प्रवेश किया जा सकता है, अप्रवेश मतलब नहीं किया जा सकता है, जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है उसे बोलते हैं अप्रवेश, इंग्लिश में इम्प्रेगनेबल। कैसे है अफोर्ट,
एक किला विच कैन नॉट बी इंटर्ड इंटू, जिसमें दाखिल नहीं हुआ जा सकता है, बाय द एनिमी, दुश्मन के द्वारा। ऐसा किला जिसमें दुश्मन के द्वारा दाखिल नहीं हुआ जा सकता है, दुश्मन जा ही नहीं सकता है, प्रवेश ही नहीं कर सकता है, और प्रवेश जो है उसे बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रसाइज, बहिष्कार। ऑस्ट्रसाइज का मतलब बहिष्कार, बहिष्कार का मतलब बाहर निकाल देना। जैसे क्या होता है, किसी पार्टिकुलर समाज में कोई जो जहाँ पे जात पात की प्रथा काफी चलती है, तो कोई अगर नीच जात का किसी ऐसा पालन नहीं करना चाहिए आपको, मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो होता था और अभी भी कहीं कहीं होता है, तो कैसे वो टीचर बन गया, उसका बहिष्कार कर देते हैं सब बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग बहिष्कार कर देते हैं कि हमारे सामने पढ़ाएगा, हमारे सामने बैठेगा, कैसे होता है। इस तरह का ऑस्ट्रसाइज बहिष्कार का हम यूज कर सकते हैं। जैसे टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से बाहर निकाल देना, टर्न आउट मतलब बाहर निकाल देना सोसाइटी से, चाहे फेलोशिप मतलब साथ, साथ से जहाँ हम साथ रहते हैं वहां से, चाहे सोसाइटी से बाहर निकालने को बोलते हैं ऑस्ट्रसाइज बहिष्कार। फिर है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मतलब साथ साथ होना। देखिए साथ साथ होने का उदाहरण है कि आप कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो उसमें आप डांस देखते हैं, डांस के साथ सॉन्ग देखते हैं, और सॉन्ग के साथ म्यूजिक भी देखते हैं जो बजते हैं यंत्र। तो ये सब सॉन्ग के अनुसार, डांस और इन सब के अनुसार म्यूजिक, मतलब तीनों एक दूसरे से तालमेल खाता हुआ होता है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। दूसरा एग्जांपल, जब हम पीटी करते हैं तो पीटी टीचर जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आप करते हैं, तो पीटी टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो मूवमेंट होता है पीटी करते वक्त, वह भी सिंक्रोनाइज होता है, साथ साथ होना। तो टू टेक प्लेस एट द सेम टाइम, एक ही साथ घटित होना या होना, टेक प्लेस मतलब होना, फ्रेजल वर्ब हो गया, एज अनदर, दूसरे अनदर इवेंट, दूसरे इवेंट के समान, तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज। जैसे कि इवेंट हो गया, डांस सॉन्ग म्यूजिक सब एक साथ घटित हो रहा है, सिंक्रोनाइज कहलाएगा। अब ओरिजिनी का मतलब होता है मूल निवासी। जैसे मूल निवासी किसे, किसी कंट्री के जो असली इनहैबिटेंट हैं, इनहैबिटेंट मतलब निवासी, असली निवासी हैं, उनको कहते हैं मूल निवासी। उदाहरण के लिए आप इतिहास में अब पढ़े हैं अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उन्हें रेड इंडियन कहते हैं। इसका ये मतलब है कि आप अमेरिका का इतिहास थोड़ा बहुत अगर जानते हैं, तो पहले अमेरिका एक कंट्री था जहाँ पे बाद में अंग्रेज चले गए, अमेरिका को अपना कॉलोनी बना लिया, और जो रेड इंडियन थे जो पहले से वहाँ रह रहे थे, जो अबोरिजिनी थे, उनको उनका महत्व कम कर दिया। बाद में भले ही इंग्लैंड के लोगों ने ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और फिर इंग्लैंड से अलग हो गए, लेकिन वहाँ का जो मूल निवासी है वो रेड इंडियन है। अभी तो वहाँ पे उस वक्त से ही अंग्रेज, रेड इंडियन, और अभी बहुत से देशों के लोग अमेरिका के नागरिक हैं। तो जो मूल नागरिक है उसे बोलते हैं अबोरिजिनी, मूल निवासी। फिर है रेजी साइड, मतलब राज हत्या, राजा की हत्या। आप जानते हैं साइड जिधर रहेगा उधर मर्डर इधर होना चाहिए, मर्डर ऑफ अ किंग, किंग की हत्या बोलते हैं रेजिसाइड। तो इस तरह से इस स्लाइड के पांच वर्ड्स, इम्प्रेग्नेबल अप्रवेश, ऑस्ट्रसाइज बहिष्कार, बहिष्कार सिंक्रोनाइज साथ साथ होना, अबोरिजिनी मूल निवासी, रेजिसाइड राज हत्या, ये पूरे 10 वर्ड दोनों स्लाइड को मिलाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस प्लेटफॉर्म पे फिलहाल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 200 पब्लिश कर दिया गया है और 200 फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।